हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्या क्या फाइंड करने सीखे थे? कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और ये रूट। तो इससे हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट्स का। अब हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है इसमें? ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ठीक है, एंड इंटरसेप्ट। ये सब किसको बोलते हैं पहले ये देखना है। यहाँ पे देखो, ठीक है, इसमें स्लोप ऑफ ग्रेडियंट, स्लोप किसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ना, इस फॉर्म तिरछी लाइन, या तो ये इस साइड हो या फिर इस साइड हो, ये क्या होता है? स्लोप। और स्लोप को ही और क्या कहते हैं? ग्रेडियंट, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन को ही ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप का वैल्यू क्या होता है? टेन थीटा। तो अगर हम लोग को स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है, अब देखो इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन। फर्स्ट क्या होता है? वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन है तो वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसका हम लोग वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। एक्स एक्सिस ये जो एक्स एक्सिस है, इसके किसी भी पॉइंट में वाई का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? जीरो। सेम एज इट इज ही वाई के जो ये लाइन है, इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज जीरो, ठीक है। एक्स एक्सिस टेन थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस में टेन थीटा क्या होगा? जीरो। जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो। टेन थीटा है, हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा, यहाँ पे, ठीक है। टेन जीरो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो। और स्लोप क्या होता है? टेन थीटा का होता है। तो अगर एक्स जीरो है तो मीन्स थीटा भी क्या होगा? जीरो। थीटा जीरो मीन्स वैल्यू भी क्या होगा? टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, सॉरी, टेन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या होता है? जीरो। थीटा जो है वो पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब ये जो थीटा है वो क्या हो? एक्यूट एंगल, मींस लेस देन 90 डिग्री, तब क्या होगा? पॉजिटिव। बट अगर थीटा जो है वो क्या है? ऑब्ट्यूज, मींस मोर देन 90 डिग्री, तब वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन, जो स्लोप ऑफ लाइन है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? ये स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला है, ठीक है। y2 - y1 / x2 - x1, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट से सॉल्व होगा क्या? स्लोप ऑफ लाइन y2 - y1 / x2 - x1, ये स्लोप ऑफ लाइन या फिर ग्रेडियंट जो है उसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो स्पेशल केस लिखा है ना, इसमें यही बताया है, ठीक है। इंटरवल ऑफ हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो वाई क्या हो जाएगा? जीरो। वर्टिकल लाइन है तो एक्स क्या होगा? जीरो, ठीक है। स्लोप, स्लोप में मैं बताई ना, कोई भी टू पॉइंट्स किसी भी शेप में होगा वो क्या होगा? स्लोप होगा। अब ये जो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाता, ये क्या है? लाइन का इक्वेशन है। स्लोप ऑफ लाइन पढ़े थे, अब ये क्या है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें सी जो है वो क्या होता है? इंटरसेप्ट। और एम क्या होगा? एम स्लोप। एम मीन्स क्या होगा? स्लोप। तो स्लोप का जो भी वैल्यू होगा वो एम के प्लेस में लिखेंगे, और इंटरसेप्ट का जो वैल्यू होगा वो सी के प्लेस में लिख के सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है वाई इज इक्वल टू 7x - 5, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का ये इक्वेशन है। सेवन कौन से प्लेस में है? एम के प्लेस में। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया? 7। और सी के प्लेस में क्या है? -5, मीन्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट सी इज इक्वल टू -5। अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आप लोग और अच्छे से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3 फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन ग्राफ 19, ये जो ग्राफ दिया हुआ, ठीक है,
फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल। यहाँ पे इतने सारे स्लोप दिए, सारे स्लोप को हम लोग को स्लोप फाइंड करना है। स्लोप को ही और क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, बताई थी ना। तो स्लोप और ग्रेडियंट का हम लोग को इंटरवल फाइंड करना है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ इंटरवल या लाइन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बताई थी। क्या है फॉर्मूला? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये किसका फॉर्मूला है? ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल। तो अब हम लोग वन बाय वन फाइंड करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई जे। कितने लाइन है? 1 2 3 4 5, 5 लाइन का हम लोग फाइंड कर लेते हैं स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल। फर्स्ट में किसको लिए हैं? ए बी। ठीक है, ए बी फॉर्मूला क्या है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, ए बी, यहाँ पे ए बी लिखे हैं, तो इसका पहले मैं लिख लेती हूँ। ए का क्या है? 1 एंड 5, एंड बी का क्या है? 3 एंड 7। तो ये क्या हो गया? एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। तो अब यहाँ पे वाई टू, वाई टू क्या है? 7। वाई वन क्या है? 5। 7 माइनस 5 लिखे, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू क्या है? 3 एंड एक्स वन इज 1, 3 माइनस 1। ये हम लोग को याद रहता है कि फर्स्ट प्लेस में एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है और सेकंड प्लेस में वाई एक्सिस का वैल्यू। ठीक है, इसलिए एक्स वन वाई वन लिए, एक्स टू वाई टू। 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 1, 2 1 जै 2। तो आंसर क्या आ रहा है? 1। तो इंटरवल कितने का है? 1। अब सी डी लिए हैं, सी डी क्या है? 2 4 एंड 5 6, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू। ठीक है, तो वाई टू माइनस वाई वन मीन्स 6 माइनस 4, एक्स टू माइनस एक्स वन मीन्स 5 माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ को लिखे हैं, 6 माइनस 4 5 माइनस 2, इसी फॉर्मूला से। तो 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 2 3। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ई एफ। तो ई एफ में 1 माइनस 3 2 माइनस 1, इसी फॉर्मूला से सब में वैल्यू पुट करना है। 1 माइनस 3 क्या होता है? -2। 2 माइनस 1 1, 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है? -2। स्लोप ऑफ इंटरवल जी एच। अब जी एच का क्या है? 2 माइनस 2 6 माइनस 3। ये फॉर्मूला याद रखना है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन का वैल्यू पुट किए। ठीक है, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 3 3, 3 से 0 को डिवाइड किए, 0। ये हो गया आंसर। लास्ट क्या है? आई जे। अगेन वही फार्मूला यूज होगा, क्या? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। 1 माइनस 5 माइनस 4, 7 माइनस 7 0। 0 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इन्फिनिटी को और क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वाट इज द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वाट इज द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या है जिसका एक्स के पैरल, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कौन होगा? जैसे कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या है? जी एच मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। और हम लोग यहाँ कंडीशन में पढ़े थे, कंडीशन क्या था? व्हेन इंटरवल इज हॉरिजॉन्टल इन सच सिचुएशन y2 टू माइनस वाई वन इज जीरो एंड देयर फोर स्लोप इज जीरो। तो स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा अगर लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल है। और अगर x एक्सिस के पैरेलल बना रहे तो लाइन तो हॉरिजॉन्टल ही होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें ओनली क्या लिखेंगे? द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस मेक एंगल ऑफ जीरो डिग्री। ठीक है, पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन तो जीरो डिग्री का होता है ना, जीरो डिग्री द एक्सिस ऑफ एक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ना, जीरो डिग्री हॉरिजॉन्टल द एक्सिस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे हम लोग ड्रॉ किए। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होगा? जीरो डिग्री। इट्स ग्रेडियंट एम इज इक्वल टू टेन जीरो डिग्री। जीरो डिग्री है ना, ग्रेडियंट एम
मीन्स स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा होता है स्लोप, तो टेन 0 डिग्री आए, डिग्री 0 है तो 0 डिग्री लिए, और टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, हैंस ग्रेडियंट ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज 0। इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना था, स्लोप, यहाँ पे ग्रेडली ग्रेडियंट लिए तो कन्फ्यूज नहीं होना है, स्लोप को ही ग्रेडियंट भी बोलते हैं नेक्स्ट वर्ड में, ठीक है। स्लोप क्या आ गया हमारा, 0, तो ये हो गया इसका आंसर, बस इतना ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वन लाइन हु स्लोप इज 5/6 पासिस थ्रू द पॉइंट 7 और 10। अब कोई लाइन है उसका स्लोप क्या है 5/6, और वो किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, पॉइंट 0 और 10। तो फर्स्ट कंडीशन है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 15। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जिसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 15 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्लोप, स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर हमने पढ़े थे ना इस वाले में, एम इज इक्वल टू क्या था, स्लोप। तो स्लोप वहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5/6, मीन्स एम का वैल्यू क्या रहा, 5/6। तो पहले हम लोग इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या है, एम इज इक्वल टू 5/6। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाई, एम का वैल्यू क्या है, 5/6 ले लिए। हम लोग को सी का वैल्यू अभी फाइंड करना है, ठीक है, और किससे थ्रू, किसके थ्रू पास हो रहा है, वो रहा है 7 और 10, 7 और 10। तो 7 एक्स एक्सिस का वैल्यू है, 10 वाई एक्सिस का, तो इन दोनों वैल्यू का पुट करेंगे, वाई के प्लेस में क्या लेंगे, 10, और एक्स के प्लेस में 7, ठीक है। अब हम लोग इसको देखो, 5 7 जै 35, 35/6 आ रहा है, इसको ट्रांसफर किए तो ये प्लस में था माइनस में आ गया, दोनों का एलसीएम क्या हो गया, 6। देन क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 10 6 जै 60, 35 1 जै 35, 60 में 35 माइनस किए तो क्या आ रहा है, 25/6। तो ये क्या आ गया, सी इंटरसेप्ट का वैल्यू। तो अब हम लोग को देखो यहाँ पे स्लोप भी मिल गया है और इंटरसेप्ट भी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, इसमें हम लोग देखो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं जिसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 15। तो अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सारे का हम लोग को वैल्यू मिल गया, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। वाई का वैल्यू अभी हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है, मतलब वाई का 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट उसको लास्ट में रखेंगे। एम क्या है, 5/6x, और सी क्या दिया है, 25/6, फाइंड किए। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर, दोनों का एलसीएम क्या रहा है, 6। एलसीएम लेने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको कैसे कर सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 5x + 25/6 हो रहा है एलसीएम, तो 6 को ट्रांसफर किया तो 6y हुआ, और यहाँ पे 5x + 25, तो ये इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और वाई क्या है, 15, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू 15 लिए, तो अब यहाँ पे वाई के प्लेस में 15 लिखे, और एक्स हम लोग को तो फाइंड करना है, 15 6 90, 25 को ट्रांसफर करेंगे माइनस में आ जाएगा, 90 - 25 क्या होता है, 65, 5x था, 5 को ट्रांसफर किए डिवाइड में, 5 1 जै 5, 5 3 जै 15, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 13, ठीक है, यही हम लोग को फाइंड करना था। तो आंसर क्या जाएगा, हैंस x कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 13, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑन y कोऑर्डिनेट इज -3। इसको जैसे सॉल्व किए थे सेम ये भी सॉल्व होगा, यहाँ हम लोग क्या थे, किए थे y के प्लेस में 15 लिए थे, अभी क्या लेंगे, y के प्लेस में -3। देखो ऊपर का जैसा है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो y के प्लेस में 15 लिए थे, अब क्या लेंगे, y के प्लेस में -3, ठीक है। इसको भी सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है, इसी इक्वेशन में अब y के प्लेस में क्या ले लेंगे, -3, इसलिए इसको इक्वेशन हम लोग 1 डाले थे। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था, 6y = 5x + 25, -3 y के प्लेस में -3 लिए, 6 3 जा 18, माइनस इसलिए -18। अभी x फाइंड करना है, ठीक है,
25 को ट्रांसफर किए, प्लस 25 था, माइनस 25 हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 25 प्लस 18 ये होगा 43, और ग्रेटर सैंपल क्या है 25 का माइनस, तो माइनस ले लिए, ठीक है 43, अब 5 है, 5 को ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में जाएगा, तो माइनस 43 अपॉन 5 इसका आंसर, तो x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 43 अपॉन 5, तो थर्ड नंबर हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 37 एंड 68, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पे हम लोग देखे है ना, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो अभी हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं, इसमें हम लोग को स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, गिवन है, तब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या है x2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 8 माइनस 7 6 माइनस 3, ठीक 8 माइनस 7 1, 6 माइनस 3 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट स्ट्रेट लाइन एफ एक्स सॉरी 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन एंड इट्स इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस। देखो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला दिया, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मीन्स y यहाँ पे ओनली y होना चाहिए, सारे वैल्यू हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो इस फॉर्म में ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन अभी हम लोग फाइंड किए थे उसी फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, एंड इट्स इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई एक्स, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं सी, मीन्स सी का वैल्यू फाइंड करेंगे, फ्रॉम वाई एक्सिस बोला है, वाई एक्सिस क्यों बोला है क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस जीरो होता है, तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे जीरो वाई, क्योंकि वाई एक्सिस बोला इसलिए वाई के प्लेस में वाई लिए, तो वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस जीरो होता है ऑलवेज, बताई थी जीरो एंड वाई, तो इसको लेके आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, 5 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिया है, इसको हम लोग को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो कर लेते हैं। ठीक है, पहले 5x को ट्रांसफर किए, प्लस था माइनस 5x हो गया, 6 को भी अब ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हम लोग को ओनली y चाहिए, 6 को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया, माइनस 5 अपॉन 6x प्लस 7 अपॉन 6, तो ये हमारा इस इक्वेशन बन गया इस फॉर्म में। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया, सेकंड क्या बोला है कंपेयर करना है, तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन एंड इंटरसेप्ट, तो स्लोप ऑफ लाइन किसको बोलते हैं, इस इक्वेशन में m क्या है स्लोप और c इंटरसेप्ट, तो स्लोप पहले फाइंड करते हैं, m m का वैल्यू क्या है माइनस 5 अपॉन 6, स्लोप हम लोग फाइंड किए, इंटरसेप्ट फाइंड करने बोला, इंटरसेप्ट क्या है 7 अपॉन 6, c के प्लेस में क्या है 7 अपॉन 6, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया 7 अपॉन 6, तो ये हो गया हमारा आंसर, बस इसमें इतना ही करना और कुछ भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।